चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाले वीडियोस की सूचना आपको सहजता से प्राप्त हो सके। हरियाणा राज्य के सोनीपत जनपद में जिला मुख्यालय सोनीपत से लगभग 16 किलोमीटर उत्तर में बसा HR42 से पंजीकृत होने वाले वाहनों का अधिकृत नगर एवं वर्तमान में सोनीपत जनपद की 4 तहसीलों में एक गन्नौर। गन्नौर की यात्रा को प्रारंभ करते हैं गन्नौर शहर के दिल नमस्ते चौक से। चौराहे के मध्य ताऊ देवीलाल की प्रतिमा स्थापित है। नमस्ते चौक से पश्चिम की ओर सड़क राष्ट्रीय राजमार्ग स्थित चौराहे की ओर, दक्षिण में जनता स्कूल रोड होकर सोनीपत की ओर, पश्चिम में BST रोड एवं दक्षिण पश्चिम की ओर मुख्य सड़क रेलवे रोड के रूप में गन्नौर के मुख्य शहरी क्षेत्र में प्रवेश करती है। गन्नौर के नगरीय क्षेत्र में वर्तमान में 60,000 की विशाल जनसंख्या निवास करती है। यह जनसंख्या के दृष्टिकोण से सोनीपत जनपद में सोनीपत एवं गोहाना के बाद तीसरा सबसे बड़ा शहरी क्षेत्र है। रेलवे मार्ग दोनों ओर सुंदर भवनों, उच्च स्तरीय व्यापारिक प्रतिष्ठानों एवं वाणिज्यिक कॉम्प्लेक्सों से सुसज्जित नजर आता है। ब्रिटिश काल में गन्नौर पंजाब राज्य के रोहतक जनपद में सम्मिलित होता था। आज़ादी के पश्चात 1966 में हरियाणा राज्य का गठन होने पर इसे हरियाणा में सम्मिलित कर दिया गया। 1972 में सोनीपत जनपद का गठन होने पर गन्नौर को सोनीपत जनपद से जोड़ा गया एवं कुछ समय पश्चात ही इसे तहसील का दर्जा प्रदान कर दिया गया। वर्तमान में यह सोनीपत जनपद की 4 तहसीलों में एक है। रेलवे मार्ग गन्नौर का सबसे बड़ा व्यापारिक केंद्र है। यहाँ बड़ी संख्या में आसपास के ग्रामीण एवं नगर के लोग खरीदारी हेतु एकत्रित होते हैं। रेलवे मार्ग अपने पश्चिमी छोर पर रेलवे स्टेशन चौराहा पर पहुँचता है। रेलवे स्टेशन चौराहा गन्नौर के व्यस्ततम चौराहों में एक है। यहाँ उत्तर में एक सड़क BST मार्ग को जोड़ती है। पश्चिम में गन्नौर रेलवे स्टेशन का परिसर स्थित है, जहाँ से दिल्ली कालका मुख्य रेलमार्ग गुजरता है। यहाँ दिल्ली एवं अम्बाला की ओर जाने वाली अनेकों पैसेंजर गाड़ियाँ उपलब्ध हैं। दक्षिण पूर्व की ओर की सड़क नगरपालिका मार्ग के रूप में नगरपालिका कार्यालय की ओर जाती है। इस मार्ग पर भी अनेकों वाणिज्यिक कॉम्प्लेक्स विकसित हो चुके हैं। यह सड़क नगरपालिका कार्यालय होकर गैस गोदाम रोड से जुड़ जाती है। गैस गोदाम रोड उत्तर पूर्व की ओर जनता स्कूल मार्ग में जुड़ जाता है। जनता स्कूल मार्ग गन्नौर के दक्षिण में सोनीपत कामी की ओर से गन्नौर में प्रवेश करता है एवं शहर के अनेकों भागों से गुजरते हुए आर्य समाज मंदिर, राम मंदिर, जनता स्कूल से होकर नमस्ते चौक पर जुड़ता है। नमस्ते चौक से पश्चिम में BST रोड रेलवे ऊपरगामी सेतु से होकर खानपुर कलां एवं गोहाना से जोड़ता है। नमस्ते चौक से पूर्व में राष्ट्रीय राजमार्ग स्थित गन्नौर चौराहा की ओर जाने वाली मुख्य सड़क को डिवाइडर युक्त आधुनिक रूप प्रदान किया गया है। यह क्षेत्र गन्नौर में सबसे तेजी से विकसित होते हुए क्षेत्रों में एक है। गन्नौर से सटे बड़ी में औद्योगिक क्षेत्र एवं रेलवे कोच नवीनीकरण कारखाना भी स्थापित है। मुख्य सड़क पर ही गन्नौर SDM कार्यालय एवं कचहरी परिसर स्थापित हैं। यह सड़क पूर्व की ओर बढ़ते हुए राष्ट्रीय राजमार्ग स्थित मुख्य चौराहे पर जुड़ती है। यहाँ दक्षिण में दिल्ली की ओर से आने वाला GT रोड उत्तर में करनाल अम्बाला की ओर निकल जाता है। चौराहे के निकट ही जैन मंदिर का विशालकाय परिसर भी स्थित है, जो गन्नौर में आकर्षण का मुख्य केंद्र बिंदु है। गन्नौर जैसे सुंदर शहर को कैमरे में कैद करना एक अनूठा अनुभव था। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। गन्नौर नगर पर बनाया यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो इसे अपने उन मित्रों एवं प्रियजनों के साथ शेयर करें जो गन्नौर शहर एवं गन्नौर तहसील क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। मुझसे सीधा जुड़ने के लिए इंस्टाग्राम पर अकाउंट ध्रुव एम्पायर को फॉलो कर लें। आपसे मुलाकात होगी अगले ऐसे ही किसी वीडियो में। तब तक मैं ध्रुव वर्मा आप सभी से विदा लेता हूँ। धन्यवाद।